आप देख रहे हैं लाइव 24। वक्त तो चला है फटाफट खबरों का। गुजरात के मनरोदा ग्राम नरसंहार मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेष जांच दल एसआईटी ने इस मामले के मुख्य आरोपी माया कोडनानी के बचाव में शाह के बयान को सही नहीं माना है। अमित शाह ने अपने बयान में अदालत को बताया था कि वो गांधीनगर में गुजरात विधानसभा में कोडनानी से मिले थे और बाद में दंगे वाले दिन वो उनसे अहमदाबाद 16 सिविल अस्पताल में मिले थे। असम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। आवेदक एनआरसी केंद्रों पर जाकर अपना नाम पता और फोटो देख सकते हैं। 40 लाख लोगों का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। शाहजहांपुर में कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को भगवा रंग से रंगने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बलिया में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद गिरी ने लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान एसपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। यात्रा फैजाबाद से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा, मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना के घटने से हम शर्मसार हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले की उच्च न्यायालय मॉनिटरिंग करेगा। वहीं विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पति को बंधक बनाकर उसकी 8 माह की गर्भवती पत्नी के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया है। इस मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। रामपुर में NH-87 को चौड़ा करने के मामले में करीब 43 लाख रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। घोटाले में सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड का नाम सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी में कार सवार बदमाशों ने सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर में बाइक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुंदेलखंड के बिलगांव में एक युवक की कुएं से निकलती जहरीली गैस से मौत हो गई। बता दें कि मृतक युवक कुएं में ट्यूबवेल का काम करने उतरा था। वहीं बचाने उतरे 2 युवक भी गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर इलाके में भू माफिया सहदेव ने मंदिर की जमीन पर कई सालों से कब्जा कर रखा था। लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं स्थानीय निवासी गुरमीत ने आरटीआई के जरिए इस मामले पर प्रशासन को आगाह किया। यूपी के हरदोई जिले में लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हरदोई के 220 केवी पावर हाउस में जल भराव के चलते पूरे जिले की बिजली समेत रेलवे की बिजली ठप होने के आसार दिख रहे हैं। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार इलाके में जेसीबी से खुदाई के चलते पीएनजी गैस लाइन टूट गई। सूचना पाकर आनन फानन में मौके पर पीएनजी की टीम ने पास के कंट्रोल रूम से इसे बंद कराया। रामपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर एक मीटिंग का आयोजन किया है। बातचीत में उन्होंने मां का दूध नवजात शिशु के लिए कितना फायदेमंद है लोगों को बताया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल लोगों से जनता को जागरूक करने की भी अपील की। हरियाणा के पलवल के फुलवेड़ी गांव का एक परिवार कांवड़ यात्रा के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परिवार के बेटों और पोतों ने माता पिता को कांवड़ में बिठा हरिद्वार के सभी मंदिरों में दर्शन कराए हैं। इस परिवार का खास उद्देश्य उन सभी को सीख देना है जो लोग अपने मां बाप की सेवा नहीं करते हैं। बुंदेलखंड के बांदा में सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ लेकर चित्रकूट धाम के लिए रवाना हुए हैं। शिव भक्त मंदाकिनी नदी से पैदल यात्रा कर जल लेकर आएंगे और वामदेवेश्वर पर्वत में स्थित भोलेनाथ बाबा मंदिर में जल चढ़ाएंगे। मुंबई पुलिस की चेतावनी के बावजूद टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने सड़क पर कीकी चैलेंज किया है और साथ ही इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। हालांकि उन्होंने लोगों से कहा कि इसे करने की कोशिश ना करें, यह बहुत खतरनाक है।